सो लेट डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2018। क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट आर डिस्टेंस अपार्ट। अ थर्ड अननोन चार्ज क्यू इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 आर फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज एज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर हमें गिवन है तो काफ़ी आसान हो जाएगा। फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी जीरो क्यू इक्वल टू, यानी कि ये हमारे पास तीन चार्ज हैं, इन तीनों की मिलाकर के जो पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए वो अगर जीरो है तो उस केस के लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है क्यू वन एंड क्यू टू, और लेट उनके बीच का सेपरेशन आर है, तो उनके जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्यू वन क्यू टू अपॉन में उनके बीच का सेपरेशन। तो अब हम यही करेंगे कि तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसको जीरो पुट करेंगे ताकि हम कैपिटल क्यू फाइंड कर सकें। तो देखो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस किस की होगी, एक तो चार्ज ए और बी के बीच में, एक चार्ज ए और सी के बीच में, और एक चार्ज बी और सी के बीच में, ठीक है। और इन तीनों का जो सम आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। अभी ए और बी के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो के क्यू इंटू में माइनस टू क्यू अपॉन में इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर। फिर प्लस ए और सी के बीच में, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होगा, तो आर ये है और थ्री आर ये है, यानी कि टोटल सेपरेशन हो जाएगा फोर आर। प्लस के बी और सी के बीच में माइनस टू क्यू इंटू में क्यू अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, यानी कि बी सी, बी सी कितना होगा, 3R, ठीक है। तो अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल Q की। तो इसमें जो कॉमन है, पहले तो कॉमन निकालते हैं, तो K Q कॉमन है, Q कॉमन है और R सब में आ रहा है, तो यहाँ से K Q ओपन R हमने कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के टू क्यू, फिर यहाँ से प्लस के क्यू अपॉन में फोर, और यहाँ से माइनस, देखो के क्यू अपॉन आर तो बाहर आ गया, तो माइनस टू और कैपिटल क्यू अपॉन में थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब ये है कि आप इसको आर को उधर ले जाओ और के क्यू को नीचे, तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस टू क्यू प्लस क्यू अपॉन में फोर माइनस टू क्यू अपॉन में थ्री, इन सबको मिलाकर के कितना आना चाहिए, जीरो। अभी यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, माइनस टू क्यू आप इधर ही रहने दीजिए, माइनस टू क्यू यहाँ पर रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा टू क्यू अपॉन में थ्री और माइनस के क्यू अपॉन में फोर। अभी फिर से देखो, आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर नीचे आएगा ट्वेल्व, यहाँ पर फोर इंटू टू यानी कि एट, और यहाँ पर माइनस थ्री, माइनस थ्री और क्यू, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इधर आएगा एट माइनस थ्री मतलब फाइव क्यू अपॉन में ट्वेल्व इक्वल टू माइनस के टू। अच्छा, ये इधर स्मॉल क्यू है तो इसको स्मॉल क्यू बना देते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं ट्वेल्व इंटू टू यानी कि ट्वेंटी फोर स्मॉल क्यू अपॉन में फाइव इक्वल टू कैपिटल क्यू, यानी कि जब आप 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.8 स्मॉल क्यू, यानी कि जो कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी वो माइनस 4.8 टाइम्स होगी स्मॉल चार्ज के। तो ऐसे में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी।